दुनिया जिस चीज के केवल सपने देखा करती थी, इसराइल ने उसको हकीकत में बदल डाला है। हम बात कर रहे हैं इसराइल के आयरन बीम की, जो कि दुनिया का पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है, यानी कि एक तरह का लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक तरह का लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रॉकेट, मोर्टार, मिसाइल को अनलिमिटेड क्वांटिटी में और नंबर्स में इंटरसेप्ट कर सकती है, यानी कि इसराइल में एंट्री से पहले ही मार के गिरा सकती है। इसको बनाने में इजरायली डिफेंस कंपनी राफेल का हाथ है। इसकी सफलता का अनाउंसमेंट वहां के प्राइम मिनिस्टर नेपाली बेनेट ने किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि जहां इसराइल को हमास के रॉकेट को मारने के लिए लाखों रुपए के मिसाइल और रॉकेट का यूज़ करना पड़ता था उनके रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए, वहीं इसके पर कॉस्ट की जो कीमत है वो लगभग 250 रुपए तक है। यानी कि इसराइल को अब किसी हमास के रॉकेट को रोकने के लिए सिर्फ 250 रुपए खर्च करने होंगे, वो भी अनलिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ। यानी कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को एक बार फायर करने की जो कॉस्ट आती है वो लगभग $3.50 होती है, यानी अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 250 रुपए के आसपास। एक बात तो साफ है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इसराइल अपने पड़ोसी देशों को अब दबा कर रख सकता है। किसी भी देश की हिम्मत नहीं होगी इसराइल के ऊपर फायर करने की। हालांकि इसराइल ने कहा है कि वो इसको लैंड, सी, एयर बेस्ड भी बनाएंगे और इसकी जो रेंज है वो लगभग 7 किमी की है। शुरुआत में रेंज थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन बाद में इसराइल इसको और ज़्यादा बढ़ा सकता है, जो कि उसके बहुत काम आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसराइल के पास ये जो वेपन सिस्टम है, ये अपनी तरह का दुनिया में पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है, जो कि एक एयर डिफेंस के रूप में उनके पास है। और ये भी देखा जा सकता है कि आने वाले समय में इसराइल लेजर एनर्जी के फील्ड में बहुत बड़ा महारत हासिल कर लेगा और दुनिया में एक उभरती हुई सुपर पावर के रूप में भी बाहर आ सकता है।